नो, फर्स्ट फेज जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। एक्चुअली ये फेज है ना, ये फेज में मेंस्ट्रुएशन होता है। सो मेंस्ट्रुअल फेज बिगिनिंग ऑफ ईच साइकिल इज टेकन एज द फर्स्ट डे वेयर द मेंसेस और लॉस ऑफ ब्लड, अप्रोक्सीमेटली लॉस ऑफ ब्लड इज 45 to 100 ml टेक्स प्लेस। इट लास्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली 5 days, एवरेज 3 to 7 days। ये 5 दिन रहता है फेज जिसमें ब्लीडिंग, जिसको हम लोग एक्चुअली ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं। नाउ इस फेज में बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली मेंस्ट्रुअल फेज? यू नो मेंस्ट्रुअल फेज में ना एंडोमेट्रियम ब्रेक होता है। एंडोमेट्रियम ब्रेक होने के वजह से डेड एंडोमेट्रियम के सेल्स अलोंग विथ ब्लड, सब म्यूकस, ये सब बाहर निकलता है। नाउ ये एंडोमेट्रियम ब्रेक क्यों होता है? ब्रेक होता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ और डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये दो हार्मोन्स जो है फीमेल के, ये फीमेल के ये दो हार्मोन्स की मात्रा ब्लड में कम होने के वजह से एंडोमेट्रियम टियर होता है, ब्रेक होता है, और ब्रेकडाउन होने के वजह से ब्लीडिंग होता है अलॉन्ग विथ डेड सेल्स। सो एंडोमेट्रियम ऑफ यूटरस ब्रेक डाउन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज्ड ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की लेवल मात्रा कम हो जाती है, कम होने की वजह से एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है कॉन्ट्रैक्ट करना एंडोमेट्रियम को, ताकि जो भी डेड सेल्स है वो बाहर आ जाए, निकल जाए उधर से। ड्यू टू दिस ब्लड टिश्यू फ्लूइड म्यूकस एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड अनफर्टिलाइज ओसाइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज डिस्चार्ज थ्रू वजाइना। सो इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो ब्रेक होता है, ब्रेक होने की वजह से डेड एंडोमेट्रियल सेल्स टिश्यू जो है वो टिश्यू फ्लूइड म्यूकस ब्लड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल फेज है, इसका मतलब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, इसको हम लोग अनफर्टिलाइज ओसाइट और एग बोलते हैं। ये अनफर्टिलाइज ओसाइट और एग ये सब वजाइना से बाहर आता है मेंस्ट्रुअल फेज में। द एंडोमेट्रियम लाइनिंग बिकम वेरी थिन। नाउ ऑब्वियसली अगर एंडोमेट्रियम जो कम होता है क्योंकि ब्रेक होता है, ब्रेक होने की वजह से एंडोमेट्रियम थिन हो जाएगा। कितना थिन होता है? 1 mm, इतना वो थिन हो जाता है। और मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज कंटिन्यू फॉर एन एवरेज ऑफ 5 days, और 5 दिन ये डिस्चार्ज चालू रहता है। हाउएवर दिस ब्लड डज नॉट क्लॉट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिनोलाइसिन। फाइब्रिनोलाइसिन की वजह से ब्लड अंदर क्लॉट नहीं होता है। मेंस्ट्रुअल फेज ऑकर व्हेन एन ओव्यूलेटेड एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग जब भी फर्टिलाइज नहीं होता है तभी मेंस्ट्रुअल फेज आती है। अगर एग फर्टिलाइज होगा तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। तो मेंस्ट्रुअल फेज आएगा कभी, व्हेन एग गेट ओव्यूलेटेड, एग मतलब एग नहीं फर्टिलाइज होता है, एंड इट इज देयर बाय शेड आउट अलोंग विद द मेंस्ट्रम। इट इज दस कॉल्ड एज फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज एग, यू कैन से डेड एग। देखो बच्चों, इधर ना एक चार्ट दिखाया है, ये चार्ट में नीचे दिखाया डेज जो 0 से स्टार्ट होके 28 तक होता है। इसमें 4 phases में डिवाइड किया है, स्पेशली 3 phases डिवाइड किया है। ये पहला जो फेज है 0 to 5, ये क्या है, मेंसेस, मतलब एक्चुअली इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाएगा। दूसरा जो फेज है वो प्रोलिफरेशन फेज है। तीसरा फेज है, ये जो 14 day है वो ओव्यूलेटरी एक्चुअली फेज है। और पांचवा जो चौथा फेज है वो दैट इज कॉल्ड एज सेक्रेटरी फेज। उसके ऊपर ये जो दिखा है वो एंडोमेट्रियम का थिकनेस कैसे कम ज्यादा होता है डिपेंडिंग अपॉन दी सिक्रीशन। उसके आगे दो हार्मोन जो ओवरी में सिक्रीट होता है, वन इज प्रोजेस्टेरॉन एंड सेकंड वन इज ईस्ट्रोजन। इसमें जो दिखाया है वो ओव्यूलेशन होने से पहले प्री ओव्यूलेटरी एग कैसा रहेगा, और ओव्यूलेशन होने के बाद ग्रेफेन फॉलिकल का कन्वर्जन येलो मास में होता है, जिसको हम लोग
कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, यू कैन से पोस्ट ओवुलेटरी फेज है ये। ऊपर बहुत दिखाया है ये जो रेड और ब्लू से दिखाया है, वो दो हॉर्मोन्स है जिसका नाम है FSH और ल्यूटल LH, दैट इज ल्यूटलाइजिंग हॉर्मोन। ये जो दो हॉर्मोन है, ये दो हॉर्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब रिलीज करता है, दैट इज FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन। ये फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन एडिनो हाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और LH, दैट इज ल्यूटलाइजिंग हॉर्मोन, भी एडिनो हाइपोफाइसिस और पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। सो ऊपर वाला दो जो हॉर्मोन है जिसको हम लोग कंबाइंडली बोलते हैं गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन, ये दो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और ये दो हार्मोन है ये ओवर इटसेल्फ रिलीज करती है। नाउ इधर जो दिखाया है थिकनेस एंडोमेट्रियम का, देखो फर्स्ट हम लोगों ने अभी डिस्कस किया 0 to 5, इसमें ना जैसे मैंने आप बताया जो रेड जो है वो ईस्ट्रोजन है और ब्लू जो है वो प्रोजेस्टेरोन है। सो ऑब्वियसली ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल कम है, जैसे जैसे आगे फेज जाएगा वैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता जाएगा। सो इधर ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत कम है। दूसरा जो फेज आता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोलिफरेशन फेज। ये फेज में ईस्ट्रोजन की लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, प्रोजेस्टेरोन की लेवल भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी। नाउ FSH फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुअल फेज खत्म होने के बाद FSH रिलीज होगा, बराबर, तो FSH की लेवल भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बढ़ती जाएगी। सो ड्यूरिंग दिस 5 days मेनली प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स डेवलप इनटू प्राइमरी एंड फ्यू ऑफ देम इनटू सेकेंडरी फॉलिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ FSH, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन।